लगता है करण कुंद्रा के शो के लिए आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो शो के लिए, कुछ बता सकते हो? बहुत एक्साइटेड यार, कुंद्रा अच्छा ही करेगा और मैंने थोड़े उनके वीडियोस देखे हैं, बैंटर जो है उनके और जजेस के बीच में बहुत मजेदार है और कुंद्रा कड़क है यार, अच्छा ही करेगा। कोई ऐसी बात है जो करण कुंद्रा की काफी डिफरेंट है, वो बिग बॉस की जर्नी में आप काफी साथ थे, हमने देखा काफी। कुंद्रा की सबसे अच्छी बात ये कि वो पूरा का पूरा पंजाबी है, पूरा का पूरा पंजाबी होता है ना तो दिल वाला होता है, तो ऐसे बेधड़क दिल वाला पंजाबी है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और उनके गाने भी ज्यादा आए थे, हाल ही में एक और गाना आया था तेजस्वी के साथ, वो आपने देखा कैसा लगा? बिल्कुल, मैंने उसको प्रमोट भी किया है अपने इंस्टाग्राम पर, और तेजा तो मेरी भिड़ू है, करण से पहले तेजा, तो तेजा का गाना था तो प्रमोट करना ही था, बहुत अच्छा लगा। और करण तो गाने पे गाने किया जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, आई एम वेरी हैप्पी फॉर तेजन, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मिलना नहीं होता क्योंकि मैं अपनी मराठी फिल्म में बहुत बिजी था, अब थोड़ा जाके फ्री हुआ हूँ, तो लोग मुझे पूछते रहते हैं कि व्हेन आर यू मीटिंग योर भिड़ू, व्हेन वो साला सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है जब मैं और तेजा मिलेंगे शायद, पर मैं करण से भी मिलूंगा, तेजा से मिलूंगा, सिम्बू से भी मिलूंगा, सबसे मिलना है, निशु से भी मिलना है, पर मेरे पास ही टाइम नहीं था, अब वक्त है तो थोड़ा वक्त निकाल के मिलूंगा जल्दी, और सेलिब्रेट करेंगे यार, बहुत दिन हो गए बिग बॉस से बाहर निकल। मराठी मूवी की चर्चा हुई जिस तरह, तो कुछ किरदार के बारे में, अपने रोल के बारे में? सिर्फ इतना बताऊंगा कि आई एम प्लेइंग एन इंस्पेक्टर इन द फिल्म, मैं हीरो हूँ फिल्म का, और बहुत बड़ी फिल्म है, आइडियाज दी एंटरटेनमेंट कंपनी की फिल्म है, जिनकी अभी अभी एक फिल्म आई थी अंकुश चौधरी की और सिद्धार्थ जाधव की, लोचा झालारे, उन्हीं की अगली फिल्म मैं कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा फिल्म का थोड़ा टीजर तो आने दो तो और बात करें। बिग बॉस की जर्नी के बाद किस तरह के चेंजेस की, हाल ही में आपने अपने डैड को कार भी गिफ्ट की, काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपकी पर्सनालिटी पे, चेंज हमने देखा है बिग बॉस वाले पर्सनालिटी थी, क्या कुछ कहना है, किस तरह की जर्नी से चेंज क्या हुआ? यार मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने बिग बॉस में भी ये कहा था कि मैं बड़ी गरीबी से आया हूँ, मैं मेरे डैड के पास गैराज हुआ करता था, पर 20 साल काम कर रहा हूँ, अभी अच्छे घर में रहता हूँ, मेरे पास मर्सिडीज़ भी है और मसड़ी चलाता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी होती है जब आप अपने पैसे से अपने डैडी को कुछ गिफ्ट करते हो, उससे बड़ी खुशी नहीं है, तो मैंने अपने डैडी को एक कार गिफ्ट की है, वो कार ज़्यादातर मैं ही चलाता हूँ डैडी हार्डली गोज एनीवेयर, पर अच्छा लगता है, अपन को बहुत खुशी है, और मैं यही कहता हूँ सबसे कि बच्चों से भी ये कहता हूँ, बिग बॉस में भी ये कहता कि पढ़ो लिखो, विशाल से भी आगे बढ़ोगे, क्योंकि गरीब पैदा होना अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन गरीब बड़े होना और कामयाब होना अपने हाथ में होता है, तो गरीबी को छोड़ो, पढ़ो लिखो और कामयाब बनो। क्या हम फिर से अन्ना अक्का की जोड़ी देख सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस में जिस तरह से रेडियो में आप लोग की बातें होती थी, काफ़ी फेमस थी, काफ़ी लोग चाह रहे फिर से आप एक बार कुछ ऐसा रेडियो स्टेशन पे आके अन्ना अक्का की। अन्ना को अक्का से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अक्का को कोई प्रॉब्लम है तो अक्का ने बताया नहीं है, तो जब तक अक्का अन्ना को प्रॉब्लम नहीं बताएगी, अन्ना कैसे उसे सॉल्व करेंगे, बट शमिता विल ऑलवेज बी माई सिस्टर, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लव यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बोल बाबू।